आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगरा में कोरोना वायरस से लगातार बढ़ते संक्रमण के कारण अन्य बीमारियों के मरीज परेशान हो चुके हैं। इसको देखते हुए नई व्यवस्था शुरू की गई है। एसएन सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में मोबाइल पर ओपीडी से मरीजों को परामर्श मिलेगा। आगरा में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण के कारण अन्य बीमारियों के मरीज परेशान हैं। इसको देखते हुए नई व्यवस्था शुरू की गई है। एसएन मेडिकल कॉलेज में मोबाइल पर ओपीडी से मरीजों को परामर्श मिलेगा। इसके लिए टेलीमेडिसिन ओपीडी की शुरुआत की गई है, जिसमें सभी रोगों के मरीजों को टेलीफोन के माध्यम से डॉक्टर परामर्श देंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर मरीजों को भर्ती भी किया जाएगा। जिसको कोई समस्या हो, जिस संबंधित टेलीफोन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो उनको एडवाइस करेंगे। और ज़्यादा कोई वैसी प्रॉब्लम है तो उनको भर्ती के लिए भी एडवाइस करेंगे। यहाँ हमारे यहाँ फ्लू ओपीडी चल रही है 8 से 11 बजे तक। उन्हें खांसी जुकाम बुखार के वो मरीज़ देखे जाते हैं। उनमें जो संदिग्ध मरीज आता है उसको कोविड हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया, जाँच के लिए जिला अस्पताल रेफ़र कर दिया जाता है, वो कोविड हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। जो ग्रीन टैग वाला होता है वो उसमें क्वारंटाइन में भेज देते हैं। इमरजेंसी सेवा भी बगल में ही है, इमरजेंसी वाला कोई पेशेंट होता है तो इमरजेंसी में भेज दिया जाता है। तो एक मरीज़ को एक जगह सारा सिस्टम स्क्रीनिंग के लिए लगा दिया गया है। मरीज़ को अलग अलग भटकना नहीं पड़ेगा कि कहीं पीछे वाली बिल्डिंग में जा रहा है कि इमरजेंसी में जा रहा है। एक जगह डिसाइड कर दिया जाएगा कि ये ऑर्थो में जाएगा, ये सर्जरी में जाएगा, ये इमरजेंसी में जाएगा, ये कोविड में जाएगा। ताजनगरी में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण के कारण अन्य बीमारियों के मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए अब जिला प्रशासन द्वारा नई व्यवस्था शुरू की गई है। एसएन मेडिकल कॉलेज में मोबाइल पर ओपीडी से मरीजों को अलग अलग विभाग के डॉक्टर मरीजों को आवश्यक परामर्श देने का काम करेंगे। विभागों ने टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। एसएन के वरिष्ठ फार्मासिस्ट डॉक्टर आरएस राणा ने बताया कि अब मरीजों को अस्पताल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें घर बैठे ही विशेषज्ञ चिकित्सक परामर्श देंगे, जिसमें मेडिसिन विभाग, सर्जरी विभाग, टीबी एंड चेस्ट विभाग, अस्थि रोग विभाग, चर्म रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, रेडियोथेरेपी विभाग, बाल रोग विभाग, मानसिक रोग विभाग, नेत्र रोग विभाग शामिल हैं। 9 विभागों ने टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। अनिल, सी न्यूज़, आगरा।